हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम और आज हम वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे। हम वेक्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा अभी आज जो दिया जाएगा वो आपको बनाना है। उसमें कुछ सोचने वाले क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है और कुछ अच्छे क्वेश्चन है एक दो जो आपको बनाना है। याद रखिए, फिजिक्स सीखने का एकमात्र तरीका है क्वेश्चन बनाना। और कई लोग परेशान हो जाते हैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। आपका ट्राई करना ज़रूरी है कि हाँ आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा है कि आप अगर यहाँ पर हैं मान लीजिए तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा शायद, या क्वेश्चन यहाँ है तो आप यहाँ पे मान लीजिए, तो धीरे धीरे आप उठते हैं और इसके बराबर जाते हैं, फिर आप ट्राई करते करते ऊपर भी उठ जाते हैं। जिस दिन आप यहाँ आ गए उस दिन कोई भी क्वेश्चन आप बना देते हैं और आप हर एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पहुँचना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करने का आदत डालें। ज़रूरी नहीं है कि हमसे सॉल्व ही हो जाए, पर हम थोड़ा समय दें और थोड़ा चीज़ों से जूझें और लड़ें। तो चलिए, इन बातों के साथ हम अपना वेक्टर का पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ये चैप्टर क्लियर होता है, तो क्वेश्चन क्योंकि आपको पहले बनाना है तो वो आप पहले बनाएं। हम लोग बिना क्वेश्चन के ही चैप्टर को देखेंगे और क्वेश्चन के बाद आपके जो डाउट आएंगे उसे क्लियर करके हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर्स में हमने सबसे पहले तो वेक्टर का डेफिनेशन देखा जो कि हम अच्छे से सीख गए। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा, एक इम्पॉर्टेंट टाइप निकल के आया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर काम की बात है, यूनिट वेक्टर हमें ध्यान में होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें जो वेक्टर मिलता है उसे हम कहते थे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने जान लिया। फिर यूनिट वेक्टर जब हम पढ़ने लगे तो हमें पता चला था वेक्टर के डेफिनेशन में ही कि वेक्टर को सिंपली जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। तो कैसे जोड़ते घटाते हैं, तो उसके लिए हमने सीखा कि कंपोनेंट कर सकते हैं हम वेक्टर को, टुकड़ों में बांट सकते हैं। और क्या हम टुकड़ों में बस बांटते हैं, क्या ये नेचर में वर्क नहीं कर रहा होता है? तो नहीं, हम इसे बस अपनी सुविधा के लिए नहीं बांटते हैं, ये नेचर में ही वर्क कर रहा होता है और नेचर में फोर्सेस टुकड़ों में भी काम कर रहे होते हैं। यही कारण था कि इंक्लाइंड प्लेन से जब हमने पानी गिराया था तो पानी इधर गिर गया था, पूरा ग्रेविटी नहीं लग रहा था, ग्रेविटी का एक टुकड़ा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी पानी गिरा था उस टुकड़े के चलते। जाहिर सी बात है उतने तेज़ी से नहीं गिरा था जितना तेज़ी से डायरेक्टली नीचे गिरता, पर फिर भी गिरा था क्योंकि फोर्स का एक टुकड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक टुकड़ा उस पर काम कर रहा था। तो ये हमने कॉम्पोनेंट के बारे में देखा था। कॉम्पोनेंट की मदद से आई कैप जे कैप लिख के, आई कैप मतलब एक्स की ओर का यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई की वाई एक्सिस की ओर का यूनिट वेक्टर और के कैप जेड एक्सिस की ओर का यूनिट वेक्टर कहलाता है। और उसकी मदद से हमने जोड़ना घटाना सीखा था, बड़ा आसान होता था, कंपोनेंट करते थे और हमसे आराम से, हमने बंदर से केले भी खिंचवाए थे। फिर उसके बाद हम जब बढ़े तो हमें पता चला कि एकदम जो ऑफिशियल तरीका है, ठीक है, जो ऑफिशियल तरीका है वो क्या है, तो वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उस पर हम जब बात कर रहे थे तो हमें ये मिला था कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो आर का वैल्यू हम लाए थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर को जोड़ने का तरीका है, वेक्टर में ऐसे जुटता है चीज़, ये वेक्टर का जोड़ने का फॉर्मूला है। फिर हम ये एंगल लाए थे फाई और ये एंगल ए के साथ बना रहा है, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा। याद आ रहा है आपको बी साइन थीटा, मैंने बोला था कि डायग्राम के साथ हम इसे याद रखेंगे, तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। सिर्फ ये फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, इस डायग्राम के साथ याद रखना है, वरना हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठेंगे जिनसे हमें बचना है, जिनको हमें दूर रखना है। तो ये हमने पढ़ा कल, हमने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे, हमने कुछ स्पेशल केसेस भी लेकर के देखा, कॉमन सेंस लगाया, चेक भी करा, सब जगह फिट बैठा। हमने देखा कि जब हम 0 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा,
जब हम 90 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा। तो हमने कॉमन सेंस लगाया, छोटा दिमाग लगाया और देखा कि सब फिट बैठ रहा है, तो हमें इस फॉर्मूले पे पूरी तरह यकीन हो गया और ये फॉर्मूला हम यूज़ करना शुरू कर दिए। इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सवाल है आप समझ ही रहे हैं कि ए बी देगा, थीटा देगा, आर पूछेगा, आर दे के ए बी देगा, थीटा पूछेगा, ऐसे सवाल बना सकते हैं हम। और इन सब सवालों का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता क्योंकि फॉर्मूला में पुट करना है, और पुट पुटिया जो इस तरह के सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं है। हमारे लिए 11 में वैसे सवाल इंपॉर्टेंट है जिनमें हमारा दिमाग लगता हो, जिनमें फॉर्मूला लगते हैं, वो सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे सवाल शीट में भर के मैंने दे रखे हैं, आज का जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें भर के दे रखे गए हैं, और वो असाइनमेंट आप सॉल्व करें, ऐसे सवालों पर महारत हासिल हो जाएगी। और उन सवालों को बनाने के बाद अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्लास में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और वो समय हम लोग बचा लेते हैं। तो इस पर बहुत सारे सवाल दे रखे गए हैं वहाँ पे। अब याद करिए जो पहला दिन हमने देखा था, पहला दिन जब हम वेक्टर की बात करना शुरू किए थे तो हमने देखा था कि 3 और 4 जोड़ा था, डिस्टेंस में 7 मिला था, हमेशा 7 मिलेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं है। पर वेक्टर में 3 और 4 5 मिला था, पर क्या वेक्टर में 3 और 4 केवल 5 होता था? नहीं, 5 भी हो सकता है, मैंने कहा था 6 भी हो सकता है, 3+4 वेक्टर में कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था 3 और 4 वेक्टर में कुछ भी हो सकता है, तो क्या 1000 हो सकता है, क्या 1 लाख हो सकता है, क्या 10 लाख हो सकता है? तो आज हम ये जानेंगे कि वेक्टर में जो लिमिट आता है जोड़ने पे वो क्या आता है, और उससे पहले हमें देखना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। उसके पहले हमें देखना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये क्या बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को यानी कि घटाना है इस बारे में, तो सोचिए हम जोड़ना तो जानते हैं। तो ये जो हमने करा है, ये जो हमने आर लिखा है, ठीक है, मान लीजिए इस पूरे वेक्टर को अगर हम लिख दें आर वेक्टर को, तो ये हमने लिखा है ए प्लस बी हमने लिखा है। अब सोचिए यही वेक्टर हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा मान लीजिए ए, और ये हो गया मान लीजिए हमारा बी, और हमें इस बार ए प्लस बी नहीं निकालने कहा गया, हमें इस बार ए माइनस बी निकालने कहा गया। तो आप ही सोचिए क्या होगा, ये बी है तो माइनस बी किधर होगा, आप जरा तुक्का मारिए, अंदाजा लगाइए, छोटा दिमाग लगाइए कि माइनस बी किधर होगा। भाई माइनस बी इसका उल्टा ही ना होगा, ये हो गया माइनस बी, और अब हमें इन्हें और इन्हें जोड़ना है, इन्हें और इन्हें जोड़ना है, तो सोचिए यही ना हो गया रिजल्टेंट। आप एकदम जब भी आप फंसें लगा कि ऐसे कैसे रिजल्टेंट हो गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में फिट है, 9 में हमने थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट ले लें। आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो आप नेट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, यही ना हुआ, तो यही रिजल्टेंट है। ये अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर भी है, तो यही आर हमारा आ गया। तो ये जो वैल्यू हुआ ये हुआ ए माइनस बी का वैल्यू हुआ। तो बस अगर हमें ए माइनस बी करना रह गया दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना रह गया, तो हम मानेंगे ही नहीं कि हमें ए माइनस बी करना है, हम मानेंगे कि हमें ए प्लस माइनस बी करना है, यानी हमें भी अभी भी जोड़ना है, हम मानेंगे नहीं कि हमें घटाना है, हम मानेंगे कि हमें अभी भी जोड़ना है, बस माइनस करके जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे। माइनस करने में लगता क्या है, उल्टा कर दिया जाता है, उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी ये वाला वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाता है ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इस तरह से हम बात बना सकते हैं, इस तरह बातें कर सकते हैं। तो ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा, तो ए माइनस बी के फॉर्मूले में ये चेंजेस आएगा कि जहाँ बी है वहाँ माइनस बी, तो माइनस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, फिर बी की जगह माइनस बी। ये जो थीटा है सबसे पहले बदलेगा। देखिए अभी आपका वेक्टर का एंगल ये था, लेकिन अब जैसे ही आपने माइनस भी ये करा तो देखिए आपका एंगल ये हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, है कि नहीं, ये 180 माइनस थीटा वाला एंगल हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा और वगैरह वगैरह करना वो हमने पहले ही देख रखा है, वो अस्त्र शस्त्र हमने पहले ही जुटा लिए हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये माइनस करना, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम वेक्टर्स को जोड़ दिया करते थे। वेक्टर्स को ऐड करना और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना अलग अलग बातें नहीं हैं, सेम बातें हैं। क्या वेक्टर को जोड़ने का केवल यही एक तरीका है, ट्रायंगल लो, तो दो तरीके हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, एक तो कॉम्पोनेंट वाला मेथड पढ़ लिया हमने
और एक हमने पढ़ लिया ट्रायंगल लॉ। क्या और भी तरीके हैं? तो और भी तरीके बनाने ही पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ ही गए, हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो बहुत सारा बन सकता है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ गया ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ गया बी वेक्टर, फिर मेरा मन हुआ यहाँ से आ गया सी वेक्टर, फिर मैं यहाँ गया डी वेक्टर। अब नेट रिजल्टेंट क्या होगा? तो नेट रिजल्टेंट अब ये वाला होगा। पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं चला, मैं थोड़ा आलस कर दिया तो चार ही बार चला। मैं हो सकता है 10 बार चलता, हो सकता है 40 बार चलता, तब क्या ट्रायंगल लॉ से हमारा काम चलता? क्या ट्रायंगल लॉ से भी काम चलता? लेकिन बहुत बार लगाना पड़ता, एक बार, दो बार, तीन बार, तब लगता। एक बार यहाँ लगाना पड़ता, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ट्रायंगल बना बना के हम काम चला लेते। पर क्या ऐसा करना सही रहेगा? नहीं, डायरेक्ट के चल जाइए ना, डायरेक्ट खींच दीजिए ना। तो इसे कहेंगे पॉलीगॉन लॉ, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ है, ये बहुत सारा लाइन हो गया, तो बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी हो गया पॉलीगॉन लॉ। बहुत सारे अगर हों तो सीधा इनिशियल और फाइनल को मिला दीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ इसमें हमने देखा कि ये दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं, जब हम पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों की जब हम बातें कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो कॉमन है कि हमने इनिशियल पॉइंट देखा है और हमने फाइनल पॉइंट देखा है, और इन दोनों को जोड़ा है तो हमें वेक्टर मिला है, रिजल्टेंट। हमने इनिशियल और फाइनल को जोड़ा है। देखिए शुरू में हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए। इनिशियल और फाइनल को हमने जोड़ दिया। शुरू में हम यहाँ थे, फिर ऐसे घूम घूम के यहाँ गए, अंत में हम यहाँ आए, तो हमने जोड़ दिया। तो इसीलिए कोई भी वेक्टर में जब भी हम डील करते हैं, याद रखिएगा हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और यही वेक्टर का चेंज होगा। चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान रखिएगा। मैंने चेंज लिखा, पर ये सारे वेक्टर के लिए लागू है। वेक्टर का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि मैं बोल दूं कि डेल्टा वी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो बस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने कह दिया डेल्टा एक्स है, चेंज इन पोजिशन, तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। मैंने कह दिया चेंज इन फोर्स, ऐसा बहुत सारा वेक्टर हम बना सकते हैं। मैंने कह दिया चेंज इन फोर्स, तो ये हो जाएगा चेंज इन फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स, ऐसे करके ये बन जाएगा, और चेंज निकाल निकाल करके सारा चीज़ ये हो जाएगा। तो जब भी आपको वेक्टर में, दो वेक्टर के बीच का चेंज निकालना हो, तो आप बस फाइनल में से इनिशियल क्या कर दें, माइनस कर दें, और ये हमें मिल जाएगा। तो ये जोड़ने और घटाने की क्रिया है, प्रक्रिया है ये हमारे जोड़ने और घटाने की। जोड़ने घटाने से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे सवाल नहीं होते हैं, कुछ सवाल हमारा कि देख सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि हमने, क्योंकि शीट बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा, तो आप उसी पे मैं ज़्यादातर चीज़ें छोड़ रहा हूँ, पर हम ये कह सकते हैं, एक सवाल चलिए करते हैं, एक कंसेप्चुअल सवाल, सोचने वाला सवाल, कि हमने दो वेक्टर लिए, उन्हें हमने जोड़ा और उन्हें हमने घटाया। हमने दो वेक्टर लिए, हमने उन्हें जोड़ा और हमने उन्हें घटाया, ये दोनों बार सेम आया रिजल्टेंट। वेक्टर को हमने जोड़ा चाहे घटाया, सेम आया रिजल्टेंट। तो उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना था वो निकालना है। तो हम थोड़ा इसमें, इस डायग्राम से आप सोच सकते हैं, ये देखिए हमने जोड़ा है, ये देखिए हमने घटाया है, इनके बीच का एंगल, तो ये देखिए जोड़ा हुआ ज़्यादा है, घटाया हुआ कम है, तो इनके बीच का एंगल देखिए एक्यूट है। फिर हम अगर इधर लाने शुरू कर दें, ये वेक्टर को ऐसे सुताना शुरू कर दें, तो देखिए ये जोड़ा हुआ और बढ़ जाएगा और ये घटाया हुआ और घट जाएगा, क्योंकि ये और इधर आ जाएगा जब इसको ऐसे सुताएंगे। तो अब क्या करें? तो इसको इधर लाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। इधर लाएंगे तो ये जुड़ा हुआ और बढ़ जाएगा, प्लस सम और बढ़ जाएगा, और डिफरेंस और घट जाएगा। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, और सोचिए जब मैं इसे 90 कर दूंगा, तो जितना जुड़ा हुआ होगा उतना ही घटाया हुआ होगा। तो ये प्रैक्टिकल तरीके होते हैं बनाने के, कि हाँ इसमें वेक्टर को 90 डिग्री पे। बाकी तो आप यहाँ से ही बना सकते थे कि थीटा तो हमें पता है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ये कट जाएगा, उस तरह से आएगा आंसर कुछ, जो कि सिंपल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम वहाँ से भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके प्लस पे
सवाल हम लोग बनाएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतर बातें कर सकेंगे। तो अब वेक्टर अलजेब्रा में चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि वेक्टर को गुना कैसे किया जाता है। क्या ये कंप्लीट हो गया है? नहीं, ये अभी शुरू हुआ है, हम इसमें लौटते रहेंगे, बात करते रहेंगे। वेक्टर में के मल्टीप्लिकेशन में हम चलिए अब एंटर करते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की ओर। वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, हम इसकी ओर मूव करते हैं। और इसमें एक्चुअली हमारे पास दो तरीके हैं, वेक्टर्स को गुना करने के दो तरीके हैं। क्यों दो तरीके हैं, क्यों दो तरीके आए और कैसे हम गुना करेंगे, दोनों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए हम इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट में समझेंगे। तो एक तरीके का बस मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, एक तरीके का नाम है डॉट प्रोडक्ट, या इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक तरीके का नाम है, क्या नाम है क्या मतलब है बाद में देखेंगे, हम बस जान रहे हैं कि अच्छा ऐसे गुना होता है, ठीक है। और एक तरीके का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, गुना करने के दो तरीके, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो नाम पे थोड़ा सा तो रिसर्च करना ही चाहिए। देखिए ये हमें समझ में आ रहा है नाम स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इसका मतलब ये है कि जब हम दो वेक्टर को गुना करें, दो वेक्टर को अगर हम गुना करें और ऐसे गुना करें कि उनका प्रोडक्ट एक स्केलर आ जाए, तो हम उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे गुना को हम बीच में डॉट देके दिखाते हैं, डॉट देके दिखाते हैं। दो वेक्टर को अगर हम ऐसे गुना करें कि उनके गुना करने के बाद वो एक स्केलर बन जाए, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। उसको दिखाने के लिए हम बीच में डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सोचिए मैंने जैसे ही ये बताया ना, अगर आप अपना छोटा दिमाग लगाएंगे आप इसको भी समझ गए होंगे कि जब हम दो वेक्टर को ऐसे गुना करें कि उनके गुना करने से वो वेक्टर बन जाए और बीच में उसे दिखाने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल करें, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे क्रॉस का इस्तेमाल करें। तो ये तो डेफिनेशन की बातें हुई कि गुना ऐसे करें कि स्केलर आ जाए, गुना ऐसे करें कि वेक्टर आ जाए, पर कैसे करें, वो ऐसे कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम बात करते हैं, कॉन्ट्रास्ट लेते हैं। हम एक वेक्टर उठाते हैं फोर्स और एक वेक्टर उठाते हैं डिस्प्लेसमेंट, हम एक वेक्टर उठाते हैं फोर्स और एक वेक्टर उठाते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों पे हम बातें करते हैं, ठीक है, इन दोनों के हम चर्चा करते हैं। और ये दोनों चर्चा अगर हम कर पाए तो हम डॉट और क्रॉस को समझ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअल बातें हैं, थोड़ा समझने में समय लगता है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो आप इसे ध्यान से समझें, बस ध्यान दें, आपकी ध्यान ही, आपका ध्यान ही काफ़ी है, आपका अटेंशन ही काफ़ी है, उतने से बहुत सारी बातें हो जाएंगी, सिर्फ आप ध्यान से अटेंशन से देखें। तो देखिए वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो याद करिए 9 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था कि नहीं। वर्क वेक्टर होता था, नहीं वर्क स्केलर होता था, फोर्स लेकिन वेक्टर होता था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, ठीक है, फोर्स वेक्टर होता था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। हम कैसे करते थे, करते हम ये थे कि मान लीजिए इधर हमने फोर्स लगाया, हमने क्या किया कि एक चक्का वाला गाड़ी लिया, ठीक है, और चक्का वाला गाड़ी में धागा बांधा और लेके चल पड़े, चक्का वाला गाड़ी लगाया हमने, ट्रक जो मिलता है बाजार उजार में वो खरीद लिया हमने दशहरा में रो धो करके, और उसके बाद उसमें बांधा धागा और लेकर के आराम से चल पड़े। जब आप चल पड़े तो आपने फोर्स, मान लीजिए कि फोर्स इधर लगाया, ठीक है, आपने ये ट्रक है ये कुछ भी, ठीक है, और इसे फोर्स आप इधर लगा करके खींच रहे हैं, पर ट्रक जा किधर रहा है, तो ट्रक जा रहा है इधर, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं पर ट्रक जा रहा है इधर। अब सोचिए ट्रक अगर इधर जा रहा है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, तो क्या आपके पूरे फोर्स के चलते ट्रक इधर जा रहा है, आपके पूरे फोर्स के चलते अगर जाता तो ट्रक इधर जाता, यानी पूरा ताकत आपका नहीं काम कर रहा है ट्रक को चलाने में, आपके ताकत का एक कॉम्पोनेंट, आपके ताकत का एक हिस्सा काम कर रहा है जो ट्रक को इधर ले जा रहा है। पूरा ताकत अगर लगेगा
तो ट्रक सीधा इधर आएगा और बड़ी तेजी से आएगा। फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम ट्रक को खींच दें, एकदम ऐसे खींच दें, तो बड़ी तेजी से ट्रक आएगा। लेकिन आप ऐसे लेकर आराम से चलते हैं और चक्के के चलते, बहुत सारा मेकानिज्म के चलते, वो अपना हॉरिजॉन्टली चलता है। तो आपका फोर्स पूरा काम कर रहा है कि कुछ कंपोनेंट काम कर रहा है? तो हम लिखेंगे कि नहीं, अगर ये थीटा है तो ट्रक को चलाने में, ट्रक को डिस्प्लेस करने में, ट्रक को मूव करने में पूरा एफ काम नहीं कर रहा, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। पूरा एफ काम नहीं कर रहा, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। और सोचिए, अगर आपने एफ लगाया पर डिस्प्लेसमेंट हुआ किस फोर्स के चलते? एफ कॉस थीटा के चलते। तो हम जब यहाँ वर्क डन निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो एफ लिखेंगे कि एफ कॉस थीटा। भाई, एफ के चलते डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है एफ कॉस थीटा के चलते। तो हम यहाँ एफ कैसे लिख सकते हैं? वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो तो एफ कॉस थीटा है। तो यहाँ आ जाएगा एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, मान लीजिए आप इधर डी ले गए, तो ये डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा आता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आपको? अब समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बातें हुई, तो एफ डी कॉस थीटा इस तरह से हमने लाया फॉर्मूला, और ये वर्क के लिए होता था। तो देखिए, हमने दो वेक्टर को गुना करा तो हमें एक स्केलर मिला। ये बातें हम देख चुके हैं, दो वेक्टर को हमने गुना करा, हमें एक स्केलर मिला, लेकिन साथ में कॉस थीटा भी मिला। यहाँ थीटा क्या है? क्या यहाँ हमेशा कॉस थीटा आएगा कि कभी साइन आएगा, कभी कॉस आएगा? तो हम अगर अपने चक्का गाड़ी को इधर लेके चले आएं, एफ फोर्स से इधर खींचें और डी डिस्प्लेसमेंट इधर करें, तो हमारे द्वारा वर्क डन हुआ एफ डी कॉस थीटा। और यहाँ जो थीटा एंगल आया, वो आया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अगर हम इस एंगल की बात कर दें, हम इसे फाई लिख दें, तो सोचिए, हम यहाँ लिख सकते थे एफ कॉस फाई, एफ साइन फाई, और फाई को फिर क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर से सुनिएगा, अगर हम इस एंगल को फाई लिख दें, पर आप ध्यान से देखिए, हमारा फोर्स इधर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे हमेशा कॉस थीटा ही आएगा? जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुना करके वर्क निकाल रहे होंगे, तो क्या हमें हमेशा कॉस थीटा ही मिलेगा कि कभी कभी साइन थीटा भी मिलेगा? तो पहली बात हमें यह समझ लेनी चाहिए कि ये थीटा कौन सा एंगल है। थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल ही आप लेंगे, तो आपको हमेशा कॉस मिलेगा यहाँ। अगर आप कोई दूसरा एंगल ले लेते हैं, तो देखिए क्या, ये एंगल अगर आप चुन लेते हैं, तो आप इसे लिखिएगा, देखिए इधर का कॉम्पोनेंट हो गया एफ कॉस फाई और इधर का हो गया एफ साइन फाई। तो इस बार आपको लगा कि देखिए क्या आएगा, इधर जो फोर्स आएगा वो जाएगा एफ साइन फाई, फाई ये वाला एंगल है। और अब हम जब वर्क लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ डी साइन फाई, तो हमें लग गया कि देखो इस बार तो साइन आ गया, पर ये फाई वेक्टर के बीच का एंगल थोड़ी है, यहाँ हमेशा वेक्टर के बीच का एंगल लिखना पड़ता है। तो इस फाई को लिख सकते हैं ना, देखिए फाई को, ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये पूरा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, यानी फाई कितना हो गया 90 माइनस थीटा। चलिए लिखते हैं, तो एफ डी साइन 90 माइनस थीटा। सोचिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने कुछ ही दिन पहले तो पढ़ा है, तो हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। मतलब हम कोई भी एंगल ले ले, किसी भी एंगल की बात कर दे, अगर वो एंगल इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यहाँ कभी साइन नहीं आएगा, यहाँ हमेशा क्या आएगा, कॉस थीटा। यहाँ कभी भी साइन थीटा आने वाला नहीं है। हमने साइन किया, पर ये वेक्टर थोड़ी ना बीच, वेक्टर के बीच का एंगल थोड़ी था ये एंगल। तो हम वेक्टर के बीच का अगर एंगल लें, तो हमेशा कॉस आएगा। और कॉस पहचान है डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डॉट प्रोडक्ट से गुना करें, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा, हमें जो वैल्यू मिलेगा, वो वर्क होगा, वो वेक्टर नहीं स्केलर होगा। और उसके लिए हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके बीच के कॉस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने थोड़ा सा देखा डॉट प्रोडक्ट, हल्का सा,
एग्जांपल लिया, अभी इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे, हमने इसका एग्जांपल लिया, अब हम चलते हैं कि और क्या हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच और क्या बातें की जा सकती है। तो ये बातें हमने पहले पढ़ रखी थी, हमने ऐसा भी नहीं है कि इसे कंप्लीट कर लिया, हमने सभी थोड़ा सा देखा है कि चलो यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो आप क्या करिए, आप इसे एक दरवाज़ा मान लीजिए, इस बुक को आप एक दरवाज़ा मान लीजिए। अब मान लीजिए कि ये एक दरवाजे की तरह है, तो अब मैं सोचिए कि ये दरवाज़ा ऐसे खुल सकता है, ये इसके अबाउट मान लीजिए दरवाज़ा खुल सकता है पूरी तरह। मैं दरवाजे पे फोर्स लगाता हूँ ऐसे, यहाँ पे दरवाज़ा एकदम तुरंत खुल जाएगा, मान लीजिए अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर जो भी, ऐसे फोर्स लगाऊँ तो तुरंत खुल जाएगा। उतना ही फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊँ, क्या दरवाज़ा आसानी से खुलेगा? नहीं, अब उतनी आसानी से नहीं खुलेगा। सोचिए मैं उससे ज़्यादा बड़ा फोर्स एकदम यहाँ लगा दूँ और दरवाज़ा को पूरा धकेलूँ, गजब धक्का दूँ, बहुत ताकत लगा दूँ, पर क्या दरवाज़ा अब खुलेगा? नहीं, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पे लगाऊँगा कुछ असर नहीं होगा ऐसे भी तो, लेकिन यहाँ पे लगाऊँगा तो थोड़ा सा खुलेगा, और यहाँ पे लगाऊँ तो गजबे तेज़ी से खुलेगा। तो ये जो दरवाज़ा खुल रहा है, ये कैसे खुल रहा है? ये घूम के खुल रहा है, रोटेशन हो रहा है, और ऐसे में जो फिज़िकल क्वांटिटी काम करता है उसे फिजिक्स में हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क, टॉर्क, टी ओ आर क्यू ई, टॉर्क। मतलब फोर्स लगाने से अगर कोई रोटेशन आएगा, बहुत डिटेल में हम इसे रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, उस समय आपको अच्छा भी लगेगा, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहेंगे और थोड़ा सोचना चाहेंगे तो, और आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो बहुत अच्छा और बहुत गजब टॉपिक है रोटेशन, जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा, हम बहुत अलग अलग तरह की बातें करेंगे वहाँ पहुँचेंगे तो टॉर्क है। टॉर्क ऐसा है कि इसे घुमाने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है उसे आप समझिए टॉर्क। तो हम टॉर्क देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अबाउट टॉर्क हो रहा है, इस पर्टिकुलर हिंज के अबाउट, हिंज कहिए या जो भी कहिए आप, इसे इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो जो भी टॉर्क है इसी के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। हम इसको बीचों बीच के अबाउट नहीं घुमाना चाह रहे हैं, हम इसको जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है उसके अबाउट घुमाना चाह रहे हैं, तो टॉर्क हम इस लाइन के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम तो इसे ऐसे भी घुमा सकते थे, जैसे पूरा घुमा सकते थे, तो ये बीचों बीच के अबाउट घूमता, फिर हम टॉर्क इसके अबाउट कैलकुलेट करते, लेकिन अभी हम टॉर्क इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस लाइन के अबाउट घुमा रहे हैं। तो सोचिए मैं फोर्स अगर यहाँ लगाऊँ, ठीक है, तो ये बड़ी आराम से खुल रहा है, मैं वही फोर्स, उतना ही फोर्स यहाँ के अबाउट लगा दूँ तो फिर उतनी आसानी से नहीं खुल रहा है, मैं यहाँ लगाता रहूँ कभी नहीं खुल रहा है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। तो ऐसे में अलग अलग जगह पे फोर्स लगाने पे अलग अलग बातें हो रही हैं। चलिए इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए यही हमारा वो दरवाज़ा है और हम अंदर की ओर इस पर धक्का मार रहे हैं, बोर्ड के अंदर की ओर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मार रहे हैं, अंदर की ओर दिखाने के लिए हम एक क्रॉस साइन का इस्तेमाल करते हैं, ये क्रॉस अलग है, ये क्रॉस अलग है, ऐसा आप समझें, क्रॉस साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो अंदर की ओर लगा रहे हैं धक्का। यहाँ पे धक्का जैसे ही लगाएंगे बड़ी तेज़ी से खुल जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे उतना नहीं खुलेगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो कभी नहीं खुलेगा। मतलब जो टॉर्क है, टॉर्क को अगर हम टॉ से डिनोट करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना ताकत लगा रहे हैं। आप यहाँ पे और ज़्यादा ताकत लगा दें तो और जल्दी खुल जाएगा दरवाज़ा, है कि नहीं, होता तोड़ ही दें आप, है कि नहीं, लेकिन आप इतना ही ताकत हर जगह लगाएं और ज़्यादा दूरी पर लगाएँ तो टॉर्क तो बढ़ जाएगा ना, ये घुमाने का टेंडेंसी बढ़ गया, घुमाने का टेंडेंसी को आप टॉर्क समझ लें, तो घुमाने का टेंडेंसी तो बढ़ गया, वो ज़्यादा आसानी से घूम जाएगा दरवाज़ा, इतना नहीं घूम जाएगा, लेकिन जो भी है ठीक है। तो टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे, पर टॉर्क खुद में एक वेक्टर है, और इसको जब हम लगाएंगे, इसकी जब हम बातें करेंगे, तो ये देखिए दोनों का गुना होगा, और इन दोनों के गुना करने से एक वेक्टर ही आ रहा है, इन दोनों के वेक्टर को गुना करने से। हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पहले वर्क निकालने के लिए भी गुना किया था, पर वो कोई वेक्टर नहीं आया था, वो वर्क आया था जो कि एक स्केलर था। यहाँ हम दोनों को गुना करके टॉर्क ला रहे हैं, पर उससे एक वेक्टर ही आ रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब सोचिए यहाँ किस चीज़ पे, जैसे हमने देखा था कि वहाँ कॉस पे डिपेंड करता है, उसी तरह हम देख लेते हैं कि यहाँ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सोचिए कि मैं जो ताकत लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस दरवाजे को ऐसे हिंज में पकड़ के इधर धकेलूँ, क्या ये दरवाज़ा कभी घूमेगा?
कोई टॉर्किंग, मैं ऐसे धकेल रहा हूँ, इधर धक्का दे रहा हूँ, हो सकता है दरवाजा उखड़ जाए पर घूमेगा नहीं, घुमाना है, घुमाने को ही टॉर्क करते हैं, तो घुमाना है हमें, घूमेगा तो नहीं, मतलब मैं फोर्स कुछ ऐसे लगाऊं तो कभी घूमने वाला नहीं है। सोचिए डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये हिंज से दूरी ले रहे थे ना हम, वही दूरी ना लिख रहे थे, वही डिस्प्लेसमेंट ना लिख रहे थे, क्योंकि दूरी जितनी ज़्यादा थी टॉर्क उतना आसानी से लग रहा था। तो ये दूरी मैं बढ़ाता हूँ तो टॉर्क बढ़ जाता है, फोर्स भी बढ़ाता हूँ तो टॉर्क बढ़ जाता है, लेकिन ये दूरी इधर की ओर है, डायरेक्शन इधर है, और फोर्स भी इधर लगा दूँ तो कभी टॉर्क मिलने वाला नहीं है, कभी टॉर्क होने वाला नहीं है। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन जब जीरो डिग्री है तो टॉर्क नहीं है, लेकिन सोचिए मैं फोर्स ऐसे लगा देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, फोर्स ऐसे है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल है तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। सोचिए जीरो पे जीरो और जीरो पे जीरो और 90 पे मैक्सिमम कौन होता है, साइन थीटा का ग्राफ होता है, यानी यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे, और यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा। ये साइन वाली बात मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हम कॉन्ट्रास्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे, इस पर बहुत समय देंगे, और मैं जानबूझ के आपको कॉन्ट्रास्ट में समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। मैं चाहता तो इसे एक बार पढ़ाता, इस पर दो चार क्वेश्चन कराता, आप बना देते, फिर इसको पढ़ाता, लेकिन हमारा थोड़ा जोर भी लगे, क्योंकि फिजिक्स में आपके दिमाग के ऊपर जोर लगना चाहिए, क्वेश्चन बनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है और हमने फोर्स भी इधर लगाया तो कोई टॉर्क नहीं मिला, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, दोनों के बीच एंगल कितना बना, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री में कोई टॉर्क मुझे नहीं मिला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, दूरी तो हम यही नाप रहे हैं पर फोर्स ऐसे कर दिया, 90 डिग्री लगा दिया, तो अब तो टॉर्क आ गया ना, और भी मैक्सिमम टॉर्क, अब सबसे तेजी से दरवाजा खुलेगा, मैं कोई एंगल अगर रखूं ऐसे तो अभी वो तो ऐसे मैं धकेलूं यहीं पर ऐसे तो दरवाजा खुलने का उतना चांस नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे एकदम मार दूं तो खुलेगा, यानी 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है और 0 डिग्री पे 0 हो रहा है, मतलब कि टॉर्क साइन को फॉलो कर रहा है और वर्क जो था वो कॉस को फॉलो कर रहा था, वो कॉस के जैसा चल रहा था, क्योंकि वर्क 0 डिग्री पे मैक्सिमम था। सोचिए मैं जिधर रस्सी पकड़ा हूँ उधर ही खींच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा 0 डिग्री अगर एंगल होगा तो, और 90 पे करूँ मैं खींच इधर रहा हूँ ले जाना उधर जा रहा हूँ, कभी जाएगा ही नहीं, वर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ जो हमारा गुना करने का तरीका है वो कॉस पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ जो गुना करने का तरीका है वो साइन पे डिपेंड कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं, ऐसे जब हम गुना करते हैं तो इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ध्यान से डेफिनेशन सुनिए, डेफिनेशन ये है कि दो वेक्टर अगर ए और बी हो और उसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना हो, दो वेक्टर ए और बी है और उसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना हो, और दो वेक्टर ए और बी हो उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, कॉस थीटा, और इसका जो वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, मॉड का मतलब आप समझते हैं, और यहां बोलिए क्या आएगा, कॉस थीटा की साइन थीटा, साइन थीटा। लेकिन अभी देखिए ये वेक्टर हो गया, तो हमने वैल्यू लिया, ये भी वैल्यू लिया, ये भी वैल्यू लिया, तो वेक्टर तो हुआ नहीं, तो वेक्टर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बनाते हैं, एन कैप, एन कैप मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल आप जानते थे लाइट में नॉर्मल परपेंडिकुलर डालते थे, वही नॉर्मल कैप, ये हम सीखेंगे डायरेक्शन निकालना, वो राइट हैंड रूल जो हम लोग 10th में भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म वगैरह में हम देखे थे, वही सब चीज़। तो एन कैप ऐसे, और ये है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू इतना, और यहाँ लिख देंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना, मतलब दो वेक्टर को हम ऐसे अगर गुना करें कि उनके बीच का कॉस थीटा आ जाता हो, उनके बीच के एंगल्स का कॉस आ जाता हो, वैसे ध्यान रखें तो हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स को अगर हम ऐसे गुना करें कि उनके बीच का साइन थीटा आ जाता हो तो समझिएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल है
वो वेक्टर के बीच का एंगल है, कोई दूसरा एंगल ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा लेना है, और वेक्टर के बीच का एंगल लेने का तरीका ये है कि टेल टेल एंगल होना चाहिए या हेड हेड एंगल होना चाहिए। टेल टेल या तो टेल टेल या तो हेड हेड, वही एंगल कहलाता है वेक्टर के बीच का एंगल। तो ए डॉट बी अगर हमें करना है तो ए बी कॉस थीटा, इसमें कोई एन कैप नहीं क्योंकि ये वेक्टर नहीं आएगा, इससे स्केलर आता है, इससे स्केलर प्रोडक्ट। और ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा, एन कैप, एन कैप वो वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर दिया गया है और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क मिलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क मिलेगा। यही बात हमने सीखी, यही बात हमने जानी। कॉन्ट्रास्ट में चीज़ों को देखने के बाद चलिए हम उनको बारी बारी से देखते हैं। तो पहला चर्चा हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। क्या मतलब है डॉट प्रोडक्ट करने का? तो देखिए, जब हम फोर्स में, मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिया है, हम उन एग्जांपल्स पे बार बार लौटते रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमें क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो जब मैंने आपको एग्जांपल दिया वर्क जब हम निकाल रहे थे, ठीक है, हम और भी एग्जांपल्स लेंगे तो हमें इसका मीनिंग क्लियर होगा कि स्केलर प्रोडक्ट का करने का मतलब क्या है। हमने तो डिफिनेशन देखा ना कि कॉस्ट पे डिपेंड करता है, बीच में डॉट देते हैं तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, पर मतलब क्या निकलता है स्केलर प्रोडक्ट का? तो ये बारी बारी से हम बातें करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग मतलब है। कॉन्ट्रास्ट में बस क्लियर हुआ कि दो वेक्टर को हमने ऐसे भी गुना किया, हमने वैसे भी गुना किया, तो साइन और कॉस का डिपेंडेंसी हमें समझ में आया, वो डेफिनेशन क्लियर हुआ, लेकिन इसका मतलब निकालना, तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। मतलब के लिए आप सोचिए, एक बार थोड़ा एग्जांपल में जाइए। देखिए, हमने जो गाड़ी खींच रखा था वो एफ लगा रखा था इधर और कॉस थीटा इधर, मतलब थीटा इधर था और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो फिर से अगर वो हम डायग्राम बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा गाड़ी इधर खींचा जा रहा था एफ पे, थीटा एंगल पे हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देखा था। तो जब हम ऐसा कर रहे थे हमें वर्क निकालना था और वर्क का हम चाहते थे, वर्क के लिए हम चाहते थे कि जिस फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या इस फोर्स के चलते जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये दोनों आपस में हम गुना कर दें। वर्क का यही तरीका है ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप गुना कर दीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको वर्क मिल जाएगा, यही तरीका है वर्क का। तो हम इसके लिए ये चाहते थे कि ये डिस्प्लेसमेंट जिस फोर्स के चलते हो रहा है, जाहिर सी बात है ये पूरे एफ के चलते नहीं हो रहा है, तो हमने इसका कॉम्पोनेंट ले लिया। तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि इस एफ का जो परछाई है इधर, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट मतलब हिस्सा, और इसको कभी कभी प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन मतलब परछाई। देखिए, आप एक वेक्टर बनाए, यहां पे मान लीजिए ऐसे एक वेक्टर बनाए भी, आप ऐसे एक टॉर्च जलाइए, ऐसे इस तरह से एक टॉर्च जलाइए एकदम एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो सोचिए इसका जो परछाई आपको मिलेगा ये इधर मिलेगा कि नहीं, इतना ही दूर मिलेगा कि नहीं, इतना ही दूर तक, ये इतना दूर आपको परछाई मिलेगा। और यही तो कॉम्पोनेंट भी है, तो कॉम्पोनेंट को भी हम कभी कभी प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई बनाना, उसी तरह वाई कॉम्पोनेंट। तो क्या इसे टॉर्च जलाइए तो इसका जो आपको परछाई मिलेगा वो लगभग इसका परछाई जो पड़ेगा, ये परछाई वाली बात आपको ज़्यादा समझ में आ रही होगी, परछाई ये मिलेगा आपको। परछाई करने का मतलब कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और एकदम सामने से आपने टॉर्च जलाया तो एग्जैक्टली मेरे पीछे परछाई बनेगा, लेकिन आप अगर यहाँ पे खड़े कर दें टॉर्च तो मेरा परछाई थोड़ा ऐसे नीचे बनेगा। उसी तरह मैं ऐसे लेटा रहा हूँ और आप जमीन के परपेंडिकुलर टॉर्च जलाएं तो जाहिर सी बात है मेरा थोड़ा छोटा सा परछाई बनेगा, लेकिन आप ऐसे परपेंडिकुलर में जलाएं तो मेरा इतना लंबा परछाई बनेगा। तो ये परछाई की बात कर रहे हैं हम, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्शन ही कॉम्पोनेंट होता है। तो हमने इस पर टॉर्च जलाया, इतना दूर इसका परछाई बना, और हमने इधर टॉर्च, इधर से टॉर्च जलाया तो इतना दूर परछाई बना। तो ये जो परछाई है, ये जो प्रोजेक्शन है, उसे निकालने में हमारी मदद करता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने में मदद करता है। अब देखिए कैसे मदद करता है, और हमें परछाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? परछाई की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे, हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर्स को, तो एक का डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन अलग है, हम कैसे मल्टीप्लाई कर दें? दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, चल हम उधर रहे हैं, जा हम इधर रहे हैं,
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, आप 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं मान लीजिए इस तरफ, ठीक है, तो आप एक्चुअली इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट हो गया कि आप इधर कितना जा रहे हैं, क्योंकि आप उधर आ रहे हैं पर मैं चाहता था कि मैं रोड पे खड़ा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मुझे आप दिखाई देंगे उस तरफ, मुझे आप दिखाई वहाँ देंगे, मैं यहाँ हूँ आप मुझे दिखाई यहाँ देंगे पर मैं इंतजार तो यहाँ कर रहा हूँ। तो मैं तो इससे मतलब रखता हूँ ना कि आप कितना दूर, ये दूरी आप कितना दूर में तब ट्रैवल करेंगे, आप इधर कहाँ जाएंगे उससे मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब इससे है कि आप मुझसे कितना दूर हैं और कब आएंगे आप। तो हमें इसका इधर की ओर का कॉम्पोनेंट चाहिए होगा कि आप 3 से ठीक है उधर जा रहे हैं पर आप इधर कितना तेज़ी से चल रहे हैं, आप मेरी तरफ कितना तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि हम तो आपका इंतज़ार यहाँ कर रहे हैं ना। सोचिए मैं आपका इंतज़ार अगर यहाँ कर रहा होता तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आप इधर कितना तेज़ी से चल रहे हैं, मुझे इस बात से मतलब था कि आप मेरी ओर कितना तेज़ी से आ रहे हैं। तो मुझे इधर की ओर प्रोजेक्शन चाहिए था, इधर की ओर का कॉम्पोनेंट चाहिए था, और ये निकालने में हमारी मदद कौन करता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट प्रोजेक्शन फाइंड करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और देखिए ये कैसे करता है, एफ कॉस थीटा हमने कर दिया, ठीक है, एफ कॉस थीटा हमने कर दिया, तो ये एफ कॉस थीटा इधर हो गया और एफ साइन थीटा इधर हो गया। तो एफ कॉस थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट आया ये एक तरह से प्रोजेक्शन आया, और इसको निकालने में मदद हमारा ये करेगा। तो देखिए हम कैसे करेगा थोड़ा देख लेते हैं। ए डॉट बी हमने क्या पढ़ा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सोचिए वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी मान लीजिए इधर है, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए इधर है। तो मैं अगर निकालना चाहता हूं ए का परछाई बी की तरफ, आज का क्लास थोड़ा अच्छा हो रहा है तो आज ज़्यादा सीखने के लिए आपको मिल रहा है और लेवल बढ़ रहा है, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए ए और बी तो ये इधर है, तो ए का कॉम्पोनेंट बी के अलोंग अगर मुझे चाहिए तो क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से ए कॉस थीटा छोड़ दिया, ए कॉस थीटा हमने यहाँ से छोड़ दिया। तो देखिए हमें क्या मिला, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। यानी हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, जो कि तरीके हम सीख लेंगे, हम फॉर्मूला इसका देख लेंगे, वो हमें थोड़ा सा 3D जानना पड़ेगा, तो 3D हम जाएंगे थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम आकर के इसमें बात करेंगे, वो आपको बोनस वीडियो के रूप में मिलेगा। तो ए डॉट बी और यहाँ पे मॉड ऑफ बी, तो ये हमें ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी हम करेंगे तो हमें परछाई मिल जाएगा। उसी तरह अगर हमें बी का परछाई चाहिए होता ए के अलोंग तो हम बी कॉस थीटा कर देते, तो सोचिए हमें बी कॉस थीटा कब मिलता, तो मॉड ऑफ ए। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए। तो ये क्या है, ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा है ए का परछाई बी के अलोंग, और बी कॉस थीटा क्या है, बी का परछाई ए के अलोंग। अभी ये उतना रिलेट हम नहीं कर पा रहे हैं, पर आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पक्का रिलेट हो जाएगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी आप चीज़ों को बस मान के चलें, ज़्यादा हम जानने की ओर ना जाएं, बस माने और फिर हम जानेंगे भी एक दिन, तो ये आ जाएगा। तो अब इसके लिए हम थोड़ा सा एंटर करते हैं आई कैप जे कैप और के कैप को अलॉन्ग, आई कैप जे कैप के कैप के अलॉन्ग चलते हैं और आज हम डेफिनेशन निकाल लेते हैं, फिर हम अगले दिन इसमें और कंसेप्चुअल बातें कर सकेंगे। तो चलिए ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। मान लीजिए आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, ये हमने कर लिया। तो हम निकालना चाहते हैं आई डॉट आई, मतलब हम दोनों आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं कि क्या आता है वेक्टर का, फिर हम इसका थोड़ा सा मतलब भी निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप लिख दीजिए, मॉड ऑफ आई कैप कॉस आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल, तो भाई 0 डिग्री, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, आई कैप का मॉड कितना, आई कैप का वैल्यू कितना 1, आई कैप का वैल्यू कितना 1, तो ये कितना आएगा 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप आएगा 1। उसी तरह आप गेस करिए, थोड़ा अपना छोटा दिमाग लाइए, जे कैप डॉट जे कैप कितना आएगा, तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, तो ये भी आ जाएगा 1, और के कैप डॉट के कैप कितना आएगा, ये आएगा 1। मतलब क्या निकल रहा है, मतलब ये निकल रहा है आई कैप डॉट आई कैप करने का मतलब ये निकल रहा है कि
हम आई कैप यानी एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन चाहते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस का परछाई बना रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो भाई वैल्यू जब वन था तो परछाई भी वन मिलेगा क्योंकि उसी का उसी के अलोंग लगा रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर हम एक्स का एक्स के अलोंग निकालें तो ये वन होगा क्योंकि सेम है, दोनों एक ही है। लेकिन सोचिए अगर हम वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के अलोंग परछाई निकालें तो क्या टॉर्च जलाने पे, क्या टॉर्च जलाने पे इसका कोई परछाई बनेगा इस लाइन का, इस लाइन के अलोंग? नहीं, कोई परछाई नहीं बनेगा। तो i cap dot j cap आना चाहिए जीरो क्योंकि कोई परछाई नहीं बनने वाला। तो देखिए हम ये चलेंगे i cap, फिर ये है j cap और फिर है cos, कितना i और j में कितना एंगल 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री ही काफ़ी है सबको उड़ा देने के लिए, तो हो जाएगा जीरो। अब आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा होगा इस एग्जांपल के थ्रू। चलिए इस एग्जांपल को यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या पढ़े हम लोग। देखिए हम जब यहाँ लिख रहे थे ए और बी के बारे में, तो चलिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट करके कर क्या रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट करके इस वेक्टर का इसके अलोंग परछाई निकाल रहे हैं। तो यानी हमने जो एग्जांपल लिया था कि भाई साहब इधर जा रहे हैं तो मेरी ओर कितने से आ रहे हैं, ये हमको अगर निकालना है कि भाई जा तो आप इधर रहे हैं पर मेरी ओर कितना तेजी से आप बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, परछाई निकालना होगा, प्रोजेक्शन निकालना होगा, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्केलर प्रोडक्ट। यानी स्केलर प्रोडक्ट हमें यह बता देता है कि इस वेक्टर का कितना हिस्सा इधर काम कर रहा है और कितना हिस्सा इधर काम कर रहा है, और ये बड़ी आराम से बता देता है, ये वेक्टर की जानकारी से बता देता है। वेक्टर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होती है और आप जान जाते हैं, ये हमें स्केलर प्रोडक्ट हमारी ये मदद करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसा ही कर रहा है। सोचिए आई कैप डॉट जे कैप जीरो हुआ तो जे कैप डॉट के कैप क्या होगा, जे कैप डॉट के कैप यानी अब परछाई निकाल, जे कैप इधर है और के कैप मान लीजिए इधर है, तो हम यहाँ टॉर्च जलाएंगे तो कुछ परछाई इसका नहीं बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई, परछाई का है का, तो ये क्या हो गया जीरो। और अगर हम के कैप डॉट आई कैप करें तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि 90 तो यहाँ भी आएगा। तो ये हमने थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा मतलब निकाला, और इसमें हमने अभी बात शुरू करी है, इस बात का ध्यान रखें कि हमने ख़त्म नहीं करा, हमने शुरू करा है। और ये वेक्टर का कंसेप्चुअल एक टॉपिक है, वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा मज़ेदार रहता है, तो इसमें एंटर करेंगे। और हम बिना क्वेश्चंस के अभी चल रहे हैं, क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।